नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार सर्व के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सन 90s की, जब ऑटोमोटिव मार्केट में सिर्फ लोकल कार्स मैन्युफैक्चर थे, जैसे HM, सैनयॉन, सिपानी, फोर्स, महिंद्रा। ये सारी कंपनियां एक के बाद एक करके फ्लॉप होती जा रही थी, लेकिन टाटा और महिंद्रा को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये दोनों कंपनी एक दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की करती गई। और इनमें से एक को आप टाटा इस इनमें से एक को आपको सेफ्टी किंग कहा जाता है और एक को किंग कहा जाता है आपको आपके यहाँ इंडिया में। ये दो ऐसी कंपनी है जो सन 90 से चली आ रही हैं, आज भी इनका रोला कायम है। अगर हम सन 90s की बात करें तो इन दोनों की काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको मिलेगी एंड काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिला इन दोनों को। एंड अब अगर हम बात करते हैं सन 1993 में जाए तो महिंद्रा ने अपनी एक गाड़ी को लॉन्च किया था, उसका नाम था अरमाड़ा। हम कहाँ जो अरमाड़ा थी वो बेस्ड थी आपकी उस पे, जो महिंद्रा है ना उसने क्या किया, पहले अपना आर्मी से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि हम आपके प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनाना चाहते हैं। जब डील डन हो गई तो उन्होंने जो जीप आती थी उसको उसके प्लेटफॉर्म पे अरमाड़ा को निकाला। एंड की बात करें तो अरमाड़ा फुल साइज 8 सीटर MPV थी। एंड अरमाड़ा में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता था। एंड इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर का फ्यूजो का डीजल इंजन आता था, आपको 60 हॉर्स पावर मिलती थी। सबसे अनोखी बात ये थी कि ये गाड़ी जो है हैंडमेड होती थी, ये हाथों से बनाई जाती, इसके एक एक पार्ट को हाथों से डिज़ाइन किया जाता था, इसीलिए इसमें ज़्यादा कर्व्स नहीं थी, इसमें ज़्यादा जो है वो क्लैडिंग्स वगैरह नहीं थी। ये एक सिंपल एंड श्योर कार थी फैमिली के लिए। उस समय टाटा को भी लगा क्यों ना हम भी अपने इस सेगमेंट में एक गाड़ी निकालें। उस समय जो टाटा थे वो टाटा बहुत बड़े थे एज अ कंपेयर टू महिंद्रा, और उनका साइज़ बहुत बड़ा था, उनके पास अच्छी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग मशीन थी, उनके पास अच्छी फैक्ट्रीज थी, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज थी, लोगों का भरोसा था टाटा के ऊपर, मार्केट में वैल्यू थी टाटा की। महिंद्रा उस समय इस पोजीशन पे था जैसे आज आपके सामने फोर्स मोटर है, उस तरीके की उसकी कीमत थी। अगर हम 1994 में चलें तो 1994 में एक साल 1994 के एक साल बाद टाटा ने लॉन्च किया सुमो को। सुमो एक 10 सीटर SUV होती है एंड गाड़ी में जैसे आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस मिलता है, ये 10 सीटर के साथ आती है, तो इसमें आपको 4x4 एंड 4x2 का ऑप्शन मिलता है अरमाड़ा की तरह। अगर हम सुमो को कंपेयर करें तो सुमो अगर हम सुमो को अरमाड़ा से अगर कंपेयर करें तो जो आपकी सुमो है वो ज़्यादा फीचर्स के साथ आती थी, ज़्यादा आपको उसमें मतलब कि देखने में अच्छी लगती थी एंड एज़ कंपेयर टू अरमाड़ा, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइन लुक था वो भाई फैक्ट्रीज में बनती थी एंड वो आपकी हैंडमेड बनती थी। एंड टाटा ने धीरे धीरे करके एक साल में 1 लाख यूनिट बेच ली। एंड उसके बाद टाटा को मिलिट्री की तरफ से ऑफर्स आने लगे और काफ़ी अच्छी सेल हुई, मिलिट्री ने 1 लाख प्लस का ऑर्डर दिया है। और महिंद्रा को इस बात का बहुत बुरा लगा क्योंकि भाई जिस सेगमेंट में उन्होंने गाड़ी निकाली उस सेगमेंट में आज टाटा बैठी हुई है, तो ये बात टाटा को महिंद्रा को हजम नहीं हुई एंड उन्होंने अपने अरमाड़ा को एक नया शेप दे के थोड़ा सा वो निकाला जिसका नाम अरमाड़ा ग्रैंड। एंड वो भी कुछ ज़्यादा खास जमा नहीं पाई अपना रोला एंड वो भी फ्लॉप हो गई। एंड तभी अपना साउथ में अपना सुमो बढ़िया अच्छा परफॉर्म कर रही थी हर समय। लेकिन तभी अगस्त 4 को एक न्यूज़ आती है, महिंद्रा ने लॉन्च किया है न्यू बोलेरो को। न्यू बोलेरो सिर्फ इसलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि टाटा ये जो सुमो है उसको राइवल देने के लिए बोलेरो को लॉन्च किया गया था। एंड आपको जो बोलेरो है वो एक नई फीचर्स के साथ मिलती है, नए आपको लुक्स मिलते हैं, नई लाइट्स मिलती है, ये अरमाड़ा का ही एक समझ लीजिए फेसलिफ्ट, मतलब एक समझ लीजिए एक नई जनरेशन थी अरमाड़ा की, इसमें आपको नई लाइट्स, नई ग्रिल्स, नई आपको कर्व्स मिलते हैं इसमें देखने। एंड लोगों को धीरे धीरे ये करके ज़्यादा पसंद आने लगी क्योंकि डिज़ाइन वाइज, क्योंकि और सुमो कम पसंद आने लगी, इसी के साथ सुमो का मार्केट धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया एंड बोलेरो। एंड अब हम बात करते हैं 1998 की, तो उस समय अब एक बड़ा वॉर होने वाला था। बड़ा वॉर मतलब मींस वो वाला वॉर नहीं, एंड हम बात करेंगे एक ऐसे वॉर की और टाटा सफारी और स्कॉर्पियो के बीच में। टाटा सफारी को 8.9 लाख में लॉन्च करते हैं टाटा, वो काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्म कर रही थी सेगमेंट में अपने। लेकिन तभी महिंद्रा को पता चलता है कि वो किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, लेकिन उनको पता चला कि भाई मार्केट में टाटा ने लॉन्च किया है सफारी को। एंड तभी महिंद्रा ने लॉन्च कर दी अपनी 2002 में स्कॉर्पियो को, एंड 5.5 लाख में आपको स्कॉर्पियो को लॉन्च कर दिया गया बाय महिंद्रा। एंड धीरे धीरे सफारी का वो मार्केट धीरे धीरे खाती गई। लेकिन भाई कहते हैं ना कि जो टाटा है, टाटा तो
हमारे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो भी है ओल्ड जनरेशन, लेकिन उसमें वो आज तक है हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। यही लोगों के साथ भी हुआ, उसके लुक्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगे थे एज़ कम्पेयर टू सफारी। स्कॉर्पियो के लुक्स ज़्यादा अच्छे थे, इस वजह से लोगों ने उसे ज़्यादा पसंद किया। फिर बात आती है 2012 में टाटा ने लॉन्च किया एरिया को, एंड उसी वक्त महिंद्रा ने लॉन्च किया XUV500 को। देख रहे हो भाई, एक के बाद एक जैसे वो निकालते हैं, उसके बाद ये लोग निकालते हैं। तो भाई ये सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा इस टाटा और महिंद्रा के बारे में। देखिए टाटा जो है वो पहले निकालता है, तो टाटा अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स लेके आता है, लेकिन जब महिंद्रा आता है, महिंद्रा उससे देख के, उसके डिज़ाइन को देख के, इसमें क्या अच्छा हो सकता है, वो सारे फीचर्स को महिंद्रा अपडेट करके एक नए वर्जन के साथ जब महिंद्रा आता है, तो वो टाटा का मार्केट ही ख़त्म कर देता है। एंड ऐसा ही कुछ हुआ XUV की, भाई ज़्यादा लुक्स अच्छे थे तो भाई वो आगे बढ़ गई। एंड फिर समय बीतता है, 2019 में टाटा लॉन्च करती है हेक्सा को और महिंद्रा लॉन्च कर देती है मराजो को। भाई इन दोनों का भी कोई सेगमेंट नहीं था, ये दोनों फ्लॉप हो गई। एंड यही सारी बातें थी, जैसे आपकी XUV है, XUV सारी XUV जो कम्पीट करती है XUV300 नेक्सॉन से, तो भाई नेक्सॉन आगे निकल जाती है। एंड भाई अगर हम सफारी की बात करें तो सफारी और XUV700 की, तो भाई XUV700 आगे निकल जाती है। एंड अगर छोटे सेगमेंट की बात करें तो QV की बात करें और उसकी आपकी पंच की बात करें, तो पंच भाई आपकी आगे निकल जाती है। तो इन दो टाटा महिंद्रा ये अपने देश के लिए गाड़ियाँ बनाती हैं। तो आप और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।